टू स्टार्टअप क्लिनिक में हूँ लक्ष्मी, आपका कोच मेंटर। आज आपको सप्लीमेंटेशन प्रिंटिंग में हम किस टाइप ऑफ बिजनेसेस कर सकते हैं, इसमें कौन सा मशीन्स यूज़ होते हैं जो हमें बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए यूज़ होते हैं। सो आज का वीडियो में आपको प्रिंटिंग करके भी दिखाएंगे प्रोडक्ट। इस प्रिंटिंग प्रोसेस को आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ है हमारा कंपनी स्टार्टअप क्लिनिक 99 सप्लीमेशन का सीनियर ट्रेनर प्रशांत। आज आपको दिखाएगा एंड बताएगा कि किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, इसके लिए हम कौन सा मशीन को हम यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों आज जो मैं प्रिंटिंग करने वाला हूँ, एक मास्क को देख सकते हो, एक डिज़ाइनर मास्क बनाऊंगा, एक पैटर्न डिज़ाइन आप देख सकते हो, पैटर्न डिज़ाइन में यूज़ करूँगा, एक सीट यूज़ करूँगा जो आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगने वाला है इस बार डिज़ाइन आपको। ये देख सकते हो दोस्तों, एक टाइगर्स है, एक डिज़ाइन है, ये इस टाइप से आप बना सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो, एक मास्क को हम लोग क्रिएट करेंगे, किस टाइप से क्रिएट करेंगे आप देख सकते हो। तो आज मैं बता दूँ दोस्तों कि इस मास्क को बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक फ्लैट पेज यूज़ कर रहे हैं, 6x24 का फ्लैट पेज है, आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो मैं सेकंड कर रहा हूँ, प्रिंटर यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक शीट को यूज़ कर रहा हूँ, एक प्लॉटर को यूज़ कर रहा हूँ, मैं तीन चार चीज़ों को यूज़ करके मैं एक मास्क को बनाऊंगा, एक डिज़ाइनर मास्क जो आपको भी बेस्ट लगेगा। तो दोस्तों चलते हैं, एक डिज़ाइनर मास्क बनाते हैं और देखते हैं किस टाइप से डिज़ाइनर मास्क बनता है। सो देखा है ना आज हम मास्क कैसे बनाते हैं, ये देखेंगे वीडियो में। तो आज का आपको क्या क्या चाहिए, सो एक तो हमारा फ्लैट प्रेस मशीन चाहिए हमें। सो इस फ्लैट प्रेस मशीन का ब्लैक मेटल से बना हुआ है एंड ये हेवी ड्यूटी यूरोपियन स्टैंडर्ड का हेवी ड्यूटी फ्लैट प्रेस मशीन है। इस मशीन को यूज़ करके हम आराम से एक ही साइज तक प्रिंट कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ मास्क प्रिंट कर रहे हो तो 10 to 15 मास्क आप इजीली बना सकते हो। सो आज आपको एक मास्क बना के दिखा रही है। तो उसके बाद हम इस मशीन के बारे में बातचीत हो गया, यूरोपियन स्टैंडर्ड, 1 साल वारंटी के साथ, कंपनी ब्रांडिंग के साथ आएगा। दूसरा हमें चाहिए होता है प्रिंटर, इस प्रिंटर को यूज़ करेंगे हम A3 साइज़ का, क्योंकि मशीन हमारा A3 साइज़ है तो प्रिंटर भी हमारा A3 साइज़ का ही होगा। 6 कलर का प्रिंटर है, इससे हमारा कलर आउटपुट अच्छे से आएगा, वो भी हो गया। उसके बाद हमें इंक डालते हैं प्रिंटर में, वो है वो जो इंक हम यूज़ कर रहे हैं 99 सप्लीमेशन का वाटरप्रूफ इंक, एंड जो पेपर हम यूज़ करते हैं वो है 99 सप्लीमेशन का ड्यूअल कोटेड हाईली डेफिनिशन पेपर हम यूज़ करते हैं। सो डिवाइनिंग में जाएंगे हम, एक तो मशीन प्रिंटर ये सब कुछ हो गया। जो अभी हम जो प्रिंटिंग कर रहे हैं उसमें आपको पैटर्न भी दिखा रही है, तो उसके लिए हमें जो चाहिए था प्लॉटर, ये प्लॉटर भी इजीली छोटा छोटा सा जो भी डिज़ाइन होता है ना उसको कटिंग करेंगे। इफ इट इज़ टी शर्ट्स में भी कर सकते हो ना, तो हर एक फैब्रिक के ऊपर इस प्लॉटर को यूज़ करके हम जीन्स हो जो भी हो अलग अलग कटिंग करके हम प्रिंटिंग कर सकते हैं, इसके लिए हम प्लॉटर का यूज़ ज़्यादा करते हैं। सो ये है हमारा चीज़ें जो हमें मशीन के साथ चाहिए होता है, तो एक सेटअप्स लगवाने के लिए। इसके लिए आपको जो स्टार्टिंग का जो बजट लेकर जाओगे तो 1 लाख से 1.5 लाख, प्लॉटर भी ऐड करोगे तो 1.5 लाख मान के जाइए, तो इतना हो जाएगा। सो यहाँ पे आप बता दो, ये देख सकते हो इस पे टेप लगाइए, जो जैसे कि हमारा डिज़ाइन ही लेना, हमने पैटर्न तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो हम लोग प्रिंट करते हैं इसको दोस्तों इस फ्लैट प्रेस में। सो देखा है ना कि फ्लैट प्रेस मशीन में करने के लिए हमने हमारे साथ टेफ्लॉन टेप को ऐड कर चुके हैं, तो इसको ऐड करके हम प्रिंटिंग कर लेंगे। इसका बजट हो गया, हम 1 से 7 दिन का टाइमिंग जो ट्रेनिंग के लिए रखते हैं। सो इसे डिपेंड होता है कि आपने कौन सा सेटअप ले रहे हो, उसके हिसाब से हमारा ट्रेनिंग का शेड्यूल हम लगा सकते हैं। और बजट में या फिर यह पे मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे 5-6 सेकेंड्स के लिए, मिनट्स के लिए मैं वीडियो नहीं आपको सब कुछ बता नहीं सकती हूँ। तो कंप्लीट डिटेल्स आपको चाहिए होते हैं तो नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर बात करने से आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल के लिए एंड बजट में आपको कितना बजट है क्या है इनका बारे में आप बात कर सकते हो आराम से। एंड इफ़ इट इज़ गवर्नमेंट भी MSME का लोन्स दे रही है तो इनके ऊपर भी आपको बात करना है तो आप आराम से बात कर सकते हो, क्योंकि आपको लोन्स भी प्रोवाइड करना है तो हम वो भी सहायता कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी आपको बिजनेस में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम बिजनेस कैसे स्टार्टअप करना है, किस टाइप ऑफ बिजनेसेस करने से क्या प्रॉफिट होगा, मतलब सप्लीमेशन बिजनेस ही नहीं, अलग अलग बिजनेस भी आप स्टार्टअप कर सकते हो क्योंकि हमारा स्टार्टअप क्लिनिक है। कोई भी बिजनेस, क्योंकि सब लोग कुछ लोग किसी किसी में इंटरेस्ट होता है तो हम आधा उसमें मतलब माइंड सेट कर दिया कि हम इस टाइप ऑफ बिजनेसेस करना है, तो इन दैट केस हम वो भी सपोर्ट करेंगे आपको। इसके लिए भी हमारा कंपनी का जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें आपको फॉरवर्ड कराया जाएगा फ़ोन नंबर को। दूसरे दिन क्या है कि नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मोहन चंद्र जी का वीडियोस होता है 1/2 घंटा का, उस वीडियोस को फॉलो करने से आपको पता चल जाएगा किस टाइप ऑफ बिजनेस करने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल बिजनेसेस होता है। सो आप देख सकते हो आज के वीडियो में हमने मास्क पैटर्न मास्क बना चुके हैं, आप इंक वाले पेपर देख सकते हो कम्प्लीटली ट्रांसफर हो चुका है एंड यहाँ पे आप विनाइल से कटिंग करके जो डिज़ाइन भी लिया था वो भी आराम से प्रिंटिंग हो चुका है। इसका टेम्परेचर एंड टाइमिंग आपको प्रशांत बता देगा।
इसके लिए जो हमने टेम्परेचर किया, पहले हमने 40 seconds को ट्रांसफ़र किया, फर्स्ट हमने फर्स्ट लेयर बनाया, फर्स्ट लेयर पे हमने 40 seconds में ट्रांसफ़र किया, फिर हमने एक प्रिंट को क्रिएट किया और डिज़ाइन को क्रिएट किया देख सकते हो, फिर हमने इसको 70 seconds किया, तो मतलब हमने दो चीज़ हमने यूज़ किया इसमें, तो आप देख सकते हो किस टाइप से एक पैटर्न मास्क बन चुका है, कितना बेस्ट लग रहा है, ग्लोशी मास्क ये देख सकते हो। देखिए कितना अच्छे से डिज़ाइन बना चुका है, कितना ग्लो भी आ रहा है, ग्लॉसी की टाइप का, और डिज़ाइन भी है पैटर्न। इसमें आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो, जो भी डिज़ाइन का कलर है, यहाँ पर पैटर्न का कलर है, आप चेंज भी कर सकते हो आराम से। सो ऐसा मास्क सप्लीमेशन मास्क से इसी मशीन को यूज़ करके 3000 से 4000 का प्रोडक्ट भी आप प्रिंट कर सकते हो। सो आप ही देख लीजिए कि कितना प्रोडक्ट्स को हम इस मशीन को यूज़ करके कर सकते हैं। एंड टी शर्ट्स वगैरह एक बार मैं रॉ मटेरियल दिखा दूँ, एक बार देख लीजिए आप टी शर्ट्स वहाँ पे देख रहे हो, ये टी शर्ट्स भी आप इसी मशीन के थ्रू प्रिंटिंग होता है। एंड यहाँ पे जो मोबाइल कवर्स रखा था इसके लिए अलग मशीन यूज़ होते हैं। बाकी यहाँ पे टी शर्ट्स का डिज़ाइन देखिए कितना अच्छे से अलग से बनाया चुका है। तो ये सब कुछ हमारा स्किल होता है कि जो डिज़ाइन बनाने का स्किल, इसी से आप आराम से बना सकते हो डिज़ाइनिंग का। अब यहाँ पे देखिए मास्क का भी देखिए कि किस टाइप ऑफ मास्क बना चुका है, टी शर्ट्स भी देख लीजिए, तो इस टाइप ऑफ मास्क इस टाइप ऑफ टी शर्ट्स हम कितना अच्छे से प्रिंटिंग कर सकते हैं। रिमाइनिंग प्रोडक्ट्स में जाओगे तो टाइल्स हो गया, किचन्स हो गया, डोरीज हो गया, मग्स के लिए अलग से मशीनरी मिलता है, रिमाइनिंग आपको कुशंस हो, फ्रेम्स हो, किचन्स हो, सब कुछ इस मशीनरी को यूज़ करके हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। सो बेटर है ना कि बेस्ट भी है, क्योंकि एक मशीन काफ़ी है, हम बार बार फ्यूचर में चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इफ़ इट इज़ बैंक का लोन्स भी चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लोन्स इश्यू हो रही है, सो आप स्टार्टअप कर सकते हो, बिजनेस अभी से सेटअप कर सकते हो। सो आज के वीडियो में आपने मास्क प्रिंटिंग कैसे होते हैं ये देखा था। नेक्स्ट वीडियो में फिर अलग से हम दूसरे प्रोडक्ट को प्रिंट करके दिखाएंगे। आप उसे छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशंस मिल जाएगा, शेयर कर लीजिए, बहुत लोगों को यूज़फुल होगा। जहाँ भी पहुँच नहीं पा रही है आप शेयर करके दिखा दीजिए एंड लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अंटिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारा जो विज़न है वो पूरा अलग है, इस देश से गरीबी हटाना चाहते हैं, तो गरीबी हटाने के लिए आप अपने आपके घर से गरीबी हटाना पड़ेगा। जो यदि आप एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हो, आपके बिजनेस को भी हम ग्रो करेंगे, एक नया बिजनेस करना चाहते हो वो बिजनेस को भी सिखाएंगे। हमारा सोच में है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर। इस एंटायर शो के ऊपर के बीच में मोहन चंद्रा, जो अनेक NGOs में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, अब जो हमारे साथ आपके साथ मिलके एक नया दिशा के ओर लेके जा रहे हैं 2034 तक गरीबी हटाना। तो गरीबी हटाने के लिए आप अपने आप के घर से गरीबी हटाओगे, उसके लिए आपको पढ़ना होगा, सीखना होगा, हर दिन आपको नया कुछ करना होगा, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को बढ़ाना होगा या नया बिजनेसमैन बनना होगा। तो इस देश से गरीबी हटाने के लिए पहला उद्देश्य है, तो आप अपने आप के घर से गरीबी हटाओगे, हम लोग क्या पढ़ाएंगे, हम लोग आपको एक स्किल को डेवलप करेंगे, जो स्किल है सेलिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, ऐसे अनेक स्किल्स के साथ जो है आप अपने जीवन में एक नया रास्ता के ओर चल सकते हो, एक नया दिशा के ओर चल सकते हो, तो देश की गरीबी हटाने में मदद कर सकते हो मेरे दोस्तों। तो आप हमारे सम नंबर्स में कनेक्ट कीजिएगा।